Hi, hello students. Welcome to these e-learning classes of Delta. आप सबका यहाँ तक जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया. आशा करते हैं कि आप सबको भी हमारा हमारी जो टीचिंग है आपको समझ रही होगी. इसी आशा के साथ हम आगे आपको और आगे जो सिलेबस है उसको अपन आगे एक्सटेंडेड करते हैं. तो फिर आप सब रेडी है? चलिए, आज का जो टॉपिक है एंडोस्पर्मिंग, दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवल एंड एम्ब्रियो हैविंग सम सब चेंजेस. नाउ दिस वन इज कॉल्ड एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अब व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म क्या होता है? तो उसके लिए जो चेंजेस होते हैं उसको हम एंडोस्पर्म को डिवाइड करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीड. सीड तो सबने देखा है, सीड के अंदर जो व्हाइटिश पोर्शन होता है उसे कहा जाता है एंडोस्पर्म. अब वो सीड के अंदर व्हाइटिश पोर्शन होता है उसको तो हम कहेंगे एंडोस्पर्म, लेकिन उसी के साथ होता है एम्ब्रियो भी. तो जो व्हाइटिश पोर्शन है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म. दैट्स अ पार्ट ऑफ द सीड व्हिच एक्ट एज अ फूड स्टोन एंड फॉर किस चीज के लिए? फॉर डेवलपिंग अ प्लांट एम्ब्रियो. पार्ट सीड का वो पार्ट जो फूड स्टोर किया जाता है किस चीज के लिए? सीड के एम्ब्रियो के डेवलपिंग होने के लिए. उसके अंदर एम्ब्रियो भी रहता है, उसके न्यूट्रिशंस के लिए जो फूड स्टोर होता है उस पोर्शन को कहा जाता है एंडोस्पर्म. अब जो एंडोस्पर्म है ये टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के सीड्स में अलग अलग वेराइटीज होते हैं, तो इसलिए इसका डिवीजन थ्री टाइप्स में किया गया है. दैट इज फर्स्ट वन इज अ न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म. सेकेंड वन इज सेल के हिसाब से होता है, इसलिए सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म. थर्ड वन इज अ हैलोबियल टाइप हैलोबियल टाइप एंडोस्पर्म. एंड फोर्थ वन इज एक ऑल्सो होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट एज अ जनरल नॉलेज आई गिव सम द नॉलेज, दैट इज कॉल्ड द मोज़ेक एंडोस्पर्म. नाउ आवर फर्स्ट टाइप गोस टू दिस हियर द न्यूक्लियर टाइप. दिस वन इज हियर द न्यूक्लियर टाइप. न्यूक्लियर टाइप में ये जो है जायगोट, हियर इट इज विदाउट द सेल फॉर्मेशन. न्यूक्लियर टाइप जो है न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, इट इज ऑलमोस्ट सीन इन मोस्टली ऑल प्लांट्स नियर अबाउट द 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज. बहुत सारे फैमिलीज 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में न्यूक्लियर सेल टाइप होता है. अब इस सेल में क्या होता है? हियर इट इज दिस, यहाँ पे कोई भी सेल की वॉल रेडी नहीं होती. इट इज ग्रोथ माइटोटिकली ऑन द सेल्स and only the one big large vacuole is present and remaining the cells of nucleus it growth now in the periphery. So है यहाँ पे एक big vacuole है और बाकी का जो cell nucleus है यह periphery means wall के side में cell की growth होती है. यहाँ होता है embryo. Remaining this portion is endospermy. Here it is also the embryo. Remaining portion is a एंडोस्पर्म. लेकिन कुछ कुछ सेल में, कुछ कुछ प्लांट्स में इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ दिस एंडोस्पर्म. एग्जाम्पल इज कोकोनट. कोकोनट में बाहर का पोर्शन जो होता है वो कंप्लीटली ग्रोथ होता है और इनर पोर्शन है हियर इट इज नॉट वैक्यूलेट, इज ओनली द वैक्यूलेटेड एंड फ्री न्यूक्लिएटेड होता है. फ्री न्यूक्लिएटेड एंड वैक्यूलेटेड मीन्स अंदर के पोर्शन में ओनली पानी वाटर मॉलिक्यूल जैसे रहता है. सो पानी है तो बाहर का पोर्शन कंप्लीटली रहता है, सिलेक्ट और टफ होता है. और एक पोर्शन है बीज सनफ्लावर, यहाँ में हमें ये न्यूक्लिएटेड सेलुलर न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दिखाई देता है. सो इट इज मोस्टली सीन इन ऑल प्लांट्स नियर अबाउट, बट इट इज नाउ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मींस इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो दिस वन इज योर द न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्मिक पोर्शन. नाउ द सेकेंड वन इज द सेलुलर टाइप. सेलुलर टाइप पे क्या होता है? स्टार्टिंग से ही
उसका सेल डेवलप हो जाता है, पहले ही जो सेल में वो सेपरेटिंग कर देता है, सेल डिवीजन, जैसे ये पोर्शन है, here it is cell division, here it is formed also the mitotically, but now it is distributed to form. यहाँ इसे हमने पहले two है, फिर four, फिर growth, growth होते जाएगी. और this one first is dog. Now it is mostly seen in dicotyledonous plant. ये जो है dicotyledonous plants में होता है. This is also so many plants we see here about the 72 families. So, ये लेकिन ये dicotyl only in dicotyledonous plants में angiospermic तो होगा, but dicotyledonous plants में here it is cell is divided, क्या पहले से ही हमारा embryo right side में हो जाता है और बाकी की cells की divide होती है and last is form this this one is embryo and remaining portion is the endospermic. अब ये कौन सी portion, ये कौन सा type हो गया, cellular type. सेल में क्या हो गया है, ये पहले से सेल डेवलप डिस्ट्रीब्यूटिंग पोजीशन वन साइड ऑफ एंडोस्पर्म. सो ये एम्ब्रियो एंड दिस रिमेनिंग पोर्शन इज अ एंडोस्पर्मिक पोर्शन. दिस टाइप ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोस्टली सीन इन द बेलसम, बेलसम या एडॉक्सॉन में होता है, जो कि मोस्टली प्लांट्स ये हमारे रेनी सीजन में आते हैं और कच्चे कलरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेलसम के, तो उसमें या एडॉक्सा, दिस इज ऑल्सो द मेडिसिनल प्लांट, इज ऑल्सो सीन इन द रेनी सीजन. इस टाइप में हम मोस्टली हम सेलुलर टाइप डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म देखते हैं. थर्ड वन इज अ हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म. अब इसे कहा जाता है हेलोबियल मींस बिकॉज इट फॉलोज टू द हेलोबेशियस फैमिली, क्योंकि ये क्या करता है, हेलोबेशियस फैमिली शो करता है. एंड इट आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दिस टाइप ऑफ प्लांट्स हैविंग दिस प्रोसेस एंडोस्पर्मिक प्रोसेस शोन ओनली इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. जहाँ पे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स होते वही ये मोस्टली शो करते हैं हेलोबियल प्लांट. इस प्लांट्स में, इस प्लांट की खासियत क्या है, इसके जो सेल है वो टू पोर्शन में डिवाइड होता है, स्मॉलर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ चेलाइसिल एंड लार्जर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर इन. एक चेलाइसिल इन कहा जाता है और लार्जर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर इन. अब ये एक स्टेप पहले से ही उसे सेपरेट हो गया, देन इट इज ग्रोथ, देन है ग्रोथ एंड देन इट फॉर्म दिस सेल का एंडोस्पर्म रेडी होता है. ये मोस्टली हमें दिखाई देता है एस्फोल्डियस प्लांट्स में. एस्फोल्डियस प्लांट दिस इज अ ग्रीनिश मेडिसिनल प्लांट्स और मोस्टली हमें गार्डनिंग प्लांट्स से जहां हमें ये दिखते हैं मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. तो ये लेकिन रेयर होता है, इससे भी ज्यादा रेयर होता है मोसेसिक एंडोस्पर्म. तो मोसेसिक एंडोस्पर्म मींस इज व्हाट, हियर इट इज एंडोस्पर्म हैविंग दिस टू टाइप ऑफ टिश्यू. इसमें मोसेसिक एंडोस्पर्म में दो तरह के टिश्यू मिक्स होके जो एक नया टिश्यू तैयार होता है, देन दिस एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज अ मोसेसिक एंडोस्पर्म, इज कॉल्ड एज मोसेसिक एंडोस्पर्म. जैसे कि हम कॉर्न प्लांट्स में देखते हैं, कॉर्न प्लांट्स में एक ही इसमें दो अलग अलग कलर के फ्लावर्स, वेराइटीज, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर, या सीड में कुछ अलग कलर्स दिखता है, दो वेराइटीज एक इसमें हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज मोसेसिक एंडोस्पर्म. जैसे कि न्यूक्लियर एंड सेलुलर दोनों मिलके एक टिश्यू होगा तो उसे मोसिक में जाएगा, या फिर हेलोबियल सेलुलर मिलके दोनों एक टिश्यू रेडी हो गया, देन इट इज आल्सो गोज टू द मोसिक एंडोस्पर्म. सो आज हमने पढ़ा है एंडोस्पर्म. सो व्हाट इज एन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या बताया हमने, द पार्ट ऑफ द सीड, सीड का वो पोर्शन जो फूड स्टोरिंग करता है सीड के एम्ब्रियो के लिए. उसके हमने कितने टाइप्स सुने, हाउ मेनी टाइप्स, दैट इज थ्री टाइप्स. कौन से थ्री टाइप्स, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल. एंड लास्ट फॉर द जनरल आई सीज दैट आर मोसिक फॉर यू आर द जनरल नॉलेज. न्यूक्लियर कितने फैमिलीज में दिखाई देता है, 161 टू 171 नियर अबाउट. सेलुलर ओनली 72 डाइकोटिलेडोनस, हेलोबियल उससे कम मोनोकोटिलेडोनस, मोसिक इज वेरी रेयर. एंड इन दिस वे आई इन दिस वे मुझे ऐसा लगता है आपको एंडोस्पर्म ये जो है बहुत अच्छे से समझा है. छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ये 1.1 कंप्लीट क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. एंड जनरल एमसीक्यूज आल्सो आस्क
So now learn it about and clearly understanding now. Bye. See you later.